लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथियों, इस वर्ष कांवड़ मेला 6 जुलाई से शुरू हो रहा है, किंतु आप सभी जैसा अवगत हैं 20 जून को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री यूपी एवं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी और कोरोना की वजह से इस वर्ष ये निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष कांवड़ मेला जो है हरिद्वार तक कांवड़ के कांवड़िए नहीं आने दिए जाएंगे। ये है उत्तराखंड के लॉ एंड ऑर्डर डीजी अशोक कुमार, जो कि इस वर्ष होने वाली कांवड़ यात्रा के बारे में बता रहे हैं। अशोक कुमार ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत इस वर्ष 6 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपने शहर या गांव में बने शिवालयों में ही जल चढ़ाएं। हरिद्वार आने पर आपको अपने खर्चे पर 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। कोरोना संकट का असर इस साल की कांवड़ यात्रा पर भी पड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संयुक्त रूप से कांवड़ यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा को बैन करने के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि कांवड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि सरकार को उनकी पैदल यात्रा के लिए भारी इंतजाम करना पड़ता है। कांवड़ियों के लिए रास्ते में जगह जगह विश्राम गृह बनाए जाते हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अगर कांवड़ यात्रा को इजाजत दी जाती है तो कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ सकती है। ऐसे में राज्य सरकारों ने फैसला किया है कि कोरोना संकट के चलते कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। सावन के महीने में शुरू होने वाली ये धार्मिक यात्रा बेहद चर्चा में रहती है। श्रद्धालु साल भर से इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कांवड़िये बड़ी संख्या में हरिद्वार से जल भरकर लाते हैं और अपने अपने यहाँ मंदिरों में जल अर्पित करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों वर्षों की परंपरा में ये पहला मौका है जब कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है।